तो गाइस आज मुझे मिल चुका है क्रोबार। आप करेंगे हम स्कूल से एस्केप। अभी मजा आएगा ना वीडियो। जैसे ही मुझे क्रोबार मिला तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर रहा था कि इस गेम में मेरा कद्दू कुछ नहीं जानता, बट इतना पता है कि इस गेम के अंदर क्रोबार मिल गया तो भाई लाइफ झिंगा लगा। मेरा मतलब है कि स्कूल से एस्केप कर सकते हैं। तो ऑल राइट गाइस, मैंने वुड प्लैंक को तो खोल दिया है। अब बस अभी इसके अंदर जाने में मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही है। अबे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई तो लाइट जलाओ। आगे उम्मीद का किरण दिख रही है। ओ ये तो एक रूम है जिसके अंदर मैं आ चुका हूँ। अभी ये क्या है, चलो खोल के देखता हूँ। मुझे अंदर भी जाना पड़ेगा क्या? वो सीढ़ियों से मैं अंदर तो आ चुका हूँ, बट यहाँ पर क्या है मुझे नहीं पता। अभी यहाँ का पानी देखो भाई, मतलब स्कूल के नीचे पानी भी जाता है। पानी का बहाव लेकिन बहुत तेज है। मैं इधर से नहीं जाऊँगा, इधर गया तो इधर को फंस जाऊँगा। तो मुझे जाना पड़ेगा इधर जाके देखो। अरे मंदिर में तो फंस गया, इसका मतलब ये ठीक रास्ता है। अभी इतना तेजी से मैं जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड हो जा। भाई साहब कितना तेजी से मैं आ गया। अब मुझे फिर से एक सीढ़ी दिख गया, मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा क्या? इसे पहले तो हटा देते हैं, पहले देखता हूँ इविल नन है कि नहीं। बिल्कुल रास्ता बिल्कुल साफ है भाई, इतना रास्ता साफ है कि उसमें आप खाना भी खा सकते हो। अबे बाहर निकल जा साले, इधर एक बहन भी है, बहन के पीछे जरूर नन होगा। मैं इसलिए चाहता हूँ कि इस साइड से मैं भागता हूँ। मैं यहाँ पर लटक गया था, चलो बाहर निकल गया। अभी ये तो पार्किंग प्लॉट है शायद, यहाँ पर गड्डियाँ रखी जाती है। अभी भैंस की आँख। अबे चुड़ैल तुझे कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ? अभी मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। तूने सीसी कैमरा लगाया है क्या? आगे गेट दिख रहा है, वहाँ से भाग जाता हूँ। भगवान इस बार मुझे बचा ले। ओ भगवान ने मेरी सुन ली बात, भैंस से ठोक दिया इविल नन को। वाह क्या ड्राइविंग है, वो भी लड़की चला वुमन रहा है बहन को। अब इसकी बहन का लोन, मुझे तो इस बहन के अंदर जाना था, मैं भूल गया। अब मैं गया इविल नन और मैं इस स्कूल में सिर्फ हैं और कोई नहीं है। ये जिंदा है कि मर गया, चलो देखते हैं। ये शायद मर गया है। अबे उठ जा साली, बहन ने इसे क्या ठोका है भाई, जबरदस्त ठोका है, वहाँ से यहाँ तक घिसक के ले आया। इसका जगने से पहले मैं यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ, पहले तो इसे लात ठोक देता हूँ। अभी शायद मुझे लग रहा है कि अभी मैं बहुत ही आराम से काम कर सकता हूँ, तो जल्दी से चलते हैं, हमें कुछ तो काम मिलेगा। ये उसकी हथौड़ा, हमें जो बैंड बजाता है सर पे इतना कस के ठोकता है ना भाई। सच बताऊँ तो रियल लाइफ में ऐसा हुआ तो मैं पागल ही हो जाऊँगा। उतने दिन से मैं खेल रहा हूँ इविल नन पर, आज मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। यहाँ क्या है मुझे भी नहीं पता, ये भी क्या है मुझे भी नहीं पता। शायद यहाँ पर वो इविल नन आती है, एक बॉक्स उठा कर ले जाती है, और इस बॉक्स जहाँ पर है ना, मैं वहाँ पर घुसूँगा और वो ले जाएगी इस बॉक्स को। उसके बाद मैं एस्केप हो जाऊँगा इस स्कूल से। अबे कुछ ज़्यादा ही लंबा ठोक दिया मैंने। तो भाई लोग अभी तक जो लोग वीडियो देख रहे हो और चैनल पर नए हो, वो लोग लाइक सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन ये भूलना मत। मैंने गेट भी बंद कर दिया इस बटन दबा के, फिर से दबा देता हूँ। चलो ये खुल गया। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कुछ टास्क मिले वो मैं कर सकता हूँ। अभी तो इविल नन भी नहीं है, वो मर चुकी है, मेरा मतलब है कि वो जग भी सकती है। और लॉन्ड्री डोर में जैसे ही खोलने की कोशिश की, बाहर से मुझे कुछ तो अजीब सा साउंड हुआ, तो मैं बाहर आकर देखा कहीं वो इविल तो नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। और मैं जा रहा हूँ उसका लाश देखने वहाँ पर है कि नहीं, ये पीछे से तो नहीं आ रही है ना। अब ये क्या है भाई, यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अभी भैंस की आँख, तेरी ऐसी की तैसी तू कैसे जग गई, तू तो टपक गया था ना। अभी इसका मैं मज़ा लेता हूँ, सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, लेकिन इसको अभी मज़ा चखाना, बहुत मज़ा आएगा। अब देखना ये है कि ये हमारा कितना देर तक पीछा करती है। आ जावे भूतनी के, वैसे भी मेरे पास कुछ काम नहीं है, तू लगे रहे मेरे पीछे। क्या वे चूड़ल थक गई क्या, वो पीछे क्या कर रहे तू? मैं तेरे पास आ रहा हूँ, रुक, मैं मौत को टक से छू कर वापस आ सकता हूँ। ज़्यादा सियाणापंथी और डायलॉग मत मार, वो अगर पकड़ लेगी ना तेरा गला दबा देगा और वो हथौड़े से तेरा सर फोड़ देगा। अरे भाई बहुत नज़दीक आ चुकी है ये, अभी मुझे थोड़ा बहुत दूर जाना पड़ेगा, इतने से कुछ काम नहीं बचेगा, और दूर जाना पड़ेगा मेरे को, और दूर भाग साले। अभी तू कुत्ता की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी है, मैं क्या बिस्कुट जैसे लग रहा हूँ तेरे को? अंदर को भागता हूँ, अबे अंदर भागूंगा तो मैं अंदर रास्ता मुझे पता ही नहीं है, फिर से मैं भागता हूँ। ये आ गई भाई, मुझे फोड़ देगा। तो क्या कैसे ये मेरा पीछा छुड़ा पाए, मेरा मतलब है कि मैं इसका पीछा छुड़ा पाऊंगा? अरे दीदी तू मेरा पीछा छोड़ देना, आ पकड़ मेरे को, इसी खुले जगह पर तू मुझे पकड़ नहीं सकती। मैं सच बता रहा हूँ ना, मेरे हाथ पर हथौड़ा लग गया ना, मैं इसके सर पे फोड़ दूंगा। एक कुत्ता भी इतना वफादार नहीं होता, अपने मालिक के पीछे इतना ही नहीं भागता वो। मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता, सारे रास्ते लॉक हैं। अभी ये तो खुल गया, चलो भागते हैं। अरे मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, ये कैसे हो गई?
तो मुझे पता चल गया, मैं अगर पैदल जाऊंगा तो इस स्कूल से मैं एस्केप कर नहीं पाऊंगा। इस बैंक के पीछे मैं अगर बैठ गया तो मैं भाग सकता हूँ। तो चलो नन आने से पहले मैं बहन के पीछे बैठ लेता हूँ। और ये एक नन है, देखो अभी ये तो पेंगुइन की तरह दिख रहा है। ये तो मुझे देखकर डर गई। अबे डर मत, तू मेरे को बाहर निकाल पहले। अरे किधर क्यों जा रही है तू, मेरे को अकेले मत छोड़। वो आ रही है, मैं यहाँ से कहाँ पर भागूँ, इधर को साइड साइड से भागता हूँ। वो आएगी तो भाई मेरे को ढूंढ नहीं पाएगी, लेकिन इसे ठोक दिया। इसका किस्मत ही फूटी हुई है आज। तो गाइस मेरे को बहुत बोरिंग लग चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।